अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम अंजुम शफीक बायोलॉजी टीचर फॉर ग्रेड टन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ट्रेड्स थे जो कि मेंडल ने स्टडी किए और उसमें किस तरह से ब्रीडिंग लाइन्स उसने क्रिएट की थी तो चलते हैं बोर्ड की तरफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जी तो स्टूडेंट्स दो लॉज मेंडल ने पेश किए थे और प्रूफ किए थे द फर्स्ट लॉ वॉज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है वो बहुत अहम है क्योंकि वो समझ आएंगी तो लॉ को समझना आसान हो जाएगा तो उससे अगले लॉ यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट उसको भी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा वो ज़रूरी क्या चीज़ें हैं वो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं पहली चीज़ के मेंडल ने जो पी प्लांट चूज़ किया था उसके कौन कौन से ट्रेड्स को स्टडी किया the traits studied by mendel in the pea plant नंबर वन सीड शेप और डियर स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू याद रखना है कि ही फर्स्ट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड द सीड शेप ये पहला ट्रेड था जो कि उसने स्टडी किया था सीड शेप तो सीड शेप डे स्टूडेंट्स दो तरह की थी क्योंकि कंट्रास्टिंग ये ट्रेड्स हैं टोटल सात कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उसने स्टडी किए थे सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स और कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं कि ऐसा ट्रेड जिसके लिए दो डिफरेंट फिनोटाइप्स हों और तीसरी ना हो बस ना उसके इंटरमीडिएट हो ना तीसरी हो ना चौथी हो सिर्फ दो ही डोमिनेंट मतलब कि वाज नजर आने वाली उसकी फिनोटाइप्स हों तो सीड शेप में दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स राउंड एंड रिंकल्ड सेकेंड ट्रेड दैट वॉज सीड कलर सीड कलर में भी सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे नंबर वन येलो एंड ग्रीन अच्छा डीस ट्रीट से एक और आपको बात बताता चलता हूं ताकि साथ ही साथ ये बात क्लियर हो जाए कि जा, जो इस साइड पे मैं ट्रेट लिख रहा हूं कंट्रास्टिंग वो डोमिनेंट है और जो इस लाइन में लिख रहा हूं दीज आर रिसेसिव और ये ऐसे नहीं लिख रहे मतलब कि मेंडल ने प्रपोज जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारी जो ट्रेड्स की रिपोर्ट है वो बता रहा हूं जो मेंडल ने स्टडी किए थे स्टडी करने के बाद की ये इंफॉर्मेशन है द थर्ड ट्रेड वॉज पॉड कलर पॉड कलर में जो डोमिनेट था दैट वाज ग्रीन और रिसेसिव ट्रेड था येलो उसके बाद चौथा ट्रेड दैट वाज पॉड शेप पॉड शेप जो डोमिनेट थी दैट वाज इनफ्लेटेड और रिसेसिव थी कंस्ट्रिक्टेड डोंट वरी इनको मैं डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं पहले सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स को मैं लिख लू शेप उसके बाद फ्लावर कलर उसमें जो फ्लावर्स लगते हैं उसका कलर तो डोमिनेट जो कलर था इसमें दैट वाज पर्पल और रिसेसिव था वाइट सिक्स ट्रेट फ्लार पोजिशन यानी कि प्लांट के ऊपर उसकी क्या पोजिशन होती है उस एतबार से जो डोमिनेंट था दैट वॉज एक्सियल एंड दर से वॉज टर्मिनल दर सेसे वॉज टर्मिनल पोजिशन एंड द सेवेंथ ट्रेट वॉज प्लांट हाइट सो डोमिनेंट ट्रेट वॉज टॉल प्लांट एंड रिसेसिव वॉज शॉर्ट प्लांट मीन्स के डॉर्फ प्लांट अब इनको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं तो फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स दीज आर द्रेट्स एंड ये इनकी कंट्रास्टिंग जो फिगर्स uh, है फिनोटाइप अब आते हैं सीट शेप पहले तो सीट शेप किस तरह से है राउंड राउंड का मतलब कि आपको समझ तो आ रही है ना ये पी प्लांट कौन सा है मटर जो खाते हैं हम ठीक है ये वो है मटर तो इसमें जो डोमिनेंट है वो राउंड है और जो वो रिंकल कुछ इस तरह से होते हैं टेढ़े मेढ़े स्मूथ नहीं है रिंकल्ड सीड कलर येलो और ग्रीन इसमें मेरे ख्याल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कलर है आप पहचान सकते हैं पॉड कलर अब पॉड क्या चीज़ है वो जिसके अंदर वो वो फलीच होती है जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं उसे कहते हैं पॉड वो इस तरह से होता है लाइक दिस ठीक है तो इसको कहते हैं पॉड ये जो पॉड की शेप मैंने आपको दिखाई है ये है इनफ्लेटेड ऐसे फैला फे, हुआ और ये ये डोमिनेंट है और इसका कलर क्या होगा ग्रीन जो कंस्ट्रक्टेड है कंस्ट्रक्टेड का मतलब है का कुछ पॉड इस तरह से थे लाइक दिस फिर इस तरह से वो मटर के दाने मौजूद है पी पीस मौजूद है लाइक like दिस तो ये तो पॉड क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स आपको ये पॉड क्या था उसको फ्लार कलर वो तो आपको समझ आ गया कि पर्पल है या व्हाइट है फ्लार पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल से क्या मुराद है तो यहां पर मैं ड्रा करता हूं फ्लार की पोजीशन समझाने के लिए लेट्स सपोज कि ये प्लांट है पी प्लांट ब्रांचेस। अगर तो फ्लावर्स लगे यहां पर एक्सिस पे एक्सियल का मतलब एक्सिस है एक्सिस का मतलब सेंटर अगर तो फ्लार्स लगे यहां पर इस जगह के ऊपर ये पोजीशन। ये फ्लार को मैं मेंशन कर रहा हूं तो ये पोजीशन कहलाती है दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल ज्यादातर इनके जो हैं वो एक्सियल है और अगर ये इस तरह से हो ये पी प्लांट ये इसकी ब्रांचेस और फ्लावर इनके हों एंड्स के ऊपर ब्रांचेस के एंड के ऊपर सो दिस काइंड ऑफ पोजिशनिंग इज कॉल्ड एज टर्मिनल इसे कहते हैं टर्मिनल टर्मिनल फ्लावर टर्मिनल का मतलब एंड के ऊपर टर्मिनल मींस एंड और प्लांट की हाइट तो उसमें दो ही कैटेगरीज थी या तो प्लांट ऐसे लंबा या फिर छोटा सा प्लांट है तीसरी कोई इंटरमीडिएट नहीं इनमें मतलब इन दोनों के दरमियान हाइट नहीं थी एक जैसी हाइट के यानी कि या तो सिर्फ टॉल या सिर्फ शॉर्ट क्लियर स्टूडेंट्स तो ये तो ट्रेड्स थे जो कि उसने स्टडी किए थे अब आगे चलने से पहले एक और चीज़ क्योंकि हमें लॉ को करना है तो लॉ को करने से पहले अब मेंटल ने जो बनाई ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्रिएट की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना डियर स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना है तो है फोर्टीन अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने हैं तो वह है सात कंट्रास्टिंग में सात हैं वैसे टोटल कितने हैं चौदह राउंड रिंकल येलो ग्रीन ये एक एक करके करेंगे तो चौदह वैसे अगर हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात करें तो तब ये सात कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं So what is a true breeding plant? Two breeding plant the plant which is homozygous for a trait. ज कॉल्ड अ ट्रू प्लांट अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं होमोजाइगस का तो पता चला कि आपको होमोजाइगस हमने पढ़ी थी मतलब कि या तो वो होमोजाइगस डोमिनेट होगा या फिर वो होमोसाइगस रिसेसिव होगा इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए ऐसा प्लांट कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग और पता कैसे चलेगा यह ट्रू ब्रीडिंग है तो जब भी उसको सेल्फ यर्टिलाइज करवाया जाएगा तो उसी तरह का प्लांट मिलेगा जो, जो कि पेरेंटल जनरेशन में मिला मतलब कि अगर आपने क्रॉस करवाया है राउंड वाले को राउंड के साथ तो जितनी भी जनरेशन आएंगी वो राउंड होने चाहिए फिर इस राउंड को फिर उसी के साथ आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो अगली नस्ल फिर क्या आएगी राउंड इसको जितने मर्जी जनरेशन में आगे ले जाएं हमेशा जब आपको राउंड सीड ही मिलेंगे तो इसका मतलब है दैट इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट और अगर वो रिंकल सीड हो, हो रिंकल को आपस में रिंकल से करवा जाए और सारे रिंकल आए फिर अगली नस्ल में फिर रिंकल फिर अगली नस्ल में फिर रिंकल फिर उससे अगली, में फिर, फिर उस अगली में फिर रिंकल जितनी मर्जी जनरेशन उससे प्रोड्यूस करवा लें अगर सिर्फ रिंकल सीड मिलेंगे तो ऐसा प्लांट कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्लियर डियर स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट तो ये टर्म तो आपको समझ आ गई मतलब कि या तो वो होना चाहिए कैपिटल ए कैपिटल ए एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ या वो होना चाहिए स्मॉल ए स्मॉल ए होमोजीगस होना चाहिए अपने ट्रेड के लिए तो तब वो कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इस तरह की उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जनरेट की पहले मेंडल ने उसके बाद फिर इनको आपस में क्रॉस कराया अब उसने क्या किया जब ये सारी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उसने क्रिएट कर लें अब उसने देखा के सबसे जो पहला जो ट्रेड उसने स्टडी किया था हम उसी को आगे लेकर चलेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि उसने सीड शेप को इससे पहले एक और टर्म यह भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के एतबार से दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस मोनो का मतलब एक वैन वेन यू आर स्टडींग वन ट्रेट एट अ टाइम एक वक्त में आप सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस यस माई डियर स्ट्रेंड्स यानी कि सिर्फ आप सीड शेप को स्टडी करें या सिर्फ सीड कलर को या सिर्फ पॉड शेप को या सिर्फ पॉड कलर को या सिर्फ फ्लार कलर को या सिर्फ फ्लार पोजीशन को या सिर्फ फ्लार की हाइट को सॉरी प्लांट की हाइट को एक ट्रेट को एक करेक्टरिस्टिक को एक उसकी क्वालिटी को एक वक्त में स्टडी करोगे तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो जो मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था इसमें हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही करवाया गया मतलब कि सिर्फ एक ट्रेडी एक ही ट्रेड को स्टडी किया गया एक वक्त में तो जब उसने ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जनरेट करवाईं तो पता ये चला कि जो राउंड है राउंड वो डोमिनेंट है और जो रिंकल है वो रिसेसिव है और हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब भी डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन हमेशा की डोमिनेंट ही आने वाली है लेकिन एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले दो तीन और चीजें रह गई उसको भी मैं क्लियर करता हूं फिर उसके बाद हम मूव करेंगे लॉक के ऊपर क्योंकि ये टर्म्स आगे इस्तेमाल होनी है जब हम क्रॉस बनाएंगे तो उसमें अगर ये पहले से एक्सप्लेन ना हुई हुई तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है हम उसमें लिखते हैं पी वन क्रॉस में लिखते होते हैं पी वन पी वन स्टैंड फॉर पेरेंटल जनरेशन फॉर पेरेंटल जनरेशन यानी वो प्लांट्स जो आप जिनका आप क्रॉस करवाने जा रहे हो मतलब के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मतलब के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जिनका हमने सबसे पहले क्रॉस करवाना है वो कहलाएंगे पी वन उसके साथ हम लिखते होते पी वन दूसरा एफ वन एफ वन स्टैंड फॉर फर्स्ट ियल जनरेशन इसका मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन फर्स्ट फीलियर जनरेशन का मतलब यह है कि वो नस्ल जो पेरेंट्रल जनरेशन से आई जो पी वन से औलाद बनेगी वो कहलाएगी एफ वन जनरेशन और एक और टर्म इसमें इस्तेमाल होनी है दैट इज एफ टू एफ टू जनरेशन एफ टू का मतलब है द सेकेंड फीलियल जनरेशन सेकेंड फीलियल जनरेशन का मतलब कि ये वो वाली नस्ल है यानी वो औलाद है जो एफ वन के आपस में क्रॉस करवाने से आएगी यानी एफ टू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू एफ वन मल्टीप्लाइड बाय एफ वन क्लियर और एफ वन के एफ वन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ पी वन मल्टीप्लाइड बाय पी वन सो क्लियर डे स्टूडेंट्स एफ वन और एफ टू का डिफरेंस समझ आ गया एफ वन हुआ है जो पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करवाने से आएगी और एफ टू जो है वो एफ वन को आपस में यानी सेल्फ फर्टिलाइज करवाने के बाद वो जो जनरेशन आएगी उसे हम कहेंगे एफ टू जनरे सो डे स्टूडेंट्स ये ये सारी बेसिक बातें थी इस लॉ को स्टडी करने से पहले तो होपफुली आपने इनके ऊपर फोकस करना है जब ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी तो अब उसके बाद जो लॉ है उसको समझना इंतहाई आसान हो जाएगा एक और इंफॉर्मेशन साथ देता चलू आपको कि जो पी प्लांट है द पी प्लांट इट हैजीन क्रोमोसोम्स कितने डे फोर्टीन क्रोमोसोम्स हैं इसके पास और जो हम ट्रेड स्टडी करने जा रहे हैं वो भी कितने हैं फोर्टीन ही हैं। और इसका मतलब है कि अगर हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात करें तो सात और यहाँ पर अगर हम जो क्रोमोसोम पेयर की बात करें तो वो भी हैं सात क्लियर तो अगले लेक्चर में फिर हम इसको ना लॉ को डिटेल से लेकर चलेंगे आप इन इन चीज़ों को आपने रिवाइज करके रखना है सो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात की जाएगी तो वो सात हैं और अगर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की बात की जाएगी तो वो फोटीन हैं और उसमें डोमिनेंट कौन से हैं और रिसेसिव कौन से हैं उसकी लिस्ट को भी जहन में रखिएगा होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़